गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो कल की जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन बताई थी, हेड टेल, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए थे, कोप्लेनर क्या होते हैं, कोएक्सियल क्या होते हैं, कॉन्करेंट क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, तरह तरह की बातें हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बात बताई थी कल आपको मैंने, वो यूनिट वेक्टर बताई थी। यूनिट वेक्टर का बड़ा महत्व होता है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये यूनिट वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका डायरेक्शन गिवन होता है। जैसे एक्स डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर देखा जाए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर जो होता है वाई कैप होता है। वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, के डायरेक्शन में जेड के डायरेक्शन में के कैप होता है। और यूनिट वेक्टर के बारे में यह भी बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो यूनिटलेस होता है, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताई थी। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ये भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो मैं थोड़ा पोजीशन वेक्टर आपको सिखा देता हूं। पोजीशन वेक्टर जो होता है, जैसा कि नाम से एकदम क्लियर है, ये किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहां पर कोई पार्टिकल है, तो पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा, यानी ओरिजिन से। कई बार इसी पोजीशन वेक्टर को हम रेडियस वेक्टर भी कह देते हैं। वैसे रेडियस वेक्टर कहना बहुत उचित नहीं है क्योंकि रेडियस सिर्फ सर्कल का होता है, लेकिन कई बार पोजीशन वेक्टर की जगह रेडियस वेक्टर भी यूज किया जाता है। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, ओरिजिन से गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओरिजिन से गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और इसका यूजुअली सिंबल होता है वेक्टर आर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन विद द गिवन पॉइंट। जो पॉइंट आपको दिया गया है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बिल्कुल आपको याद ही होनी चाहिए, वो इसका डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ओरिजिन से गिवन पॉइंट की तरफ कि गिवन पॉइंट से ओरिजिन की तरफ। तो दिमाग में रखना है कि इसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। डायरेक्शन जो है भाई, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर हो गया, इसी वेक्टर ओपी को हम वेक्टर आर कह सकते हैं। ये जो वेक्टर ओपी है इसी को हम वेक्टर आर कह सकते हैं। बस ध्यान आपको क्या रखना है कि डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा इसकी बनाई गई है, वो ये है कि इसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इट्स डायरेक्शन इज, ये बात आपको लिखनी है और समझनी भी है, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से दूर की तरफ होता है। जो भी इसका डायरेक्शन है दैट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इसका जो भी डायरेक्शन है वो ओरिजिन से दूर की तरफ होता है। जैसे पॉइंट ओ है तो ओ से पी की तरफ ये चला जाएगा, और इसका डायरेक्शन ओरिजिन से दूर की तरफ होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेता हूं मैं कि इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, इसी को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से भी दिखाते हैं। मतलब अगर आपको किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पता है, x, y, z पता है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से दूर की तरफ होता है, और ओरिजिन से ये पोजीशन बताता है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है। अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए तो ओरिजिन से मिला देंगे इसको, इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए तो इसको ओरिजिन से मिला देंगे। भाई हम कहीं से भी अगर पोजीशन का मेजरमेंट करेंगे तो किसी न किसी ओरिजिन से करेंगे, किसी न किसी रेफरेंस से। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई दिल्ली कितनी दूर है, तो अब दिल्ली कितनी दूर है, तो अब दिल्ली आप अगला ये पूछेगा ना, किससे डिस्टेंस आप पूछ रहे हो। दिल्ली की डिस्टेंस आप कोटा से पूछ रहे हो, जयपुर से पूछ रहे हो, न्यूयॉर्क से पूछ रहे हो, ठीक है,
झुमरी तलैया से पूछ रहे हो, कानपुर से पूछ रहे हो, तो एक ओरिजिन होता है जिसके रिस्पेक्ट में चीजें नापी जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस नापनी है, तो ये जो भी ओरिजिन है उससे हम उसको पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पोजिशन वेक्टर जो है वो गिवन पॉइंट से जो है वो नापा जाता है। एक और इसके अंदर आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बहुत तगड़ी चर्चा करेंगे। 2 से 3 लेक्चर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं सिर्फ आपको इस वेक्टर को डिफाइन कर दे रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं, इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें जो है वो समय आने पे की जाएंगी। अभी तो हम लोग चूंकि वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो सिर्फ वेक्टर समझाएंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकल है वो पॉइंट ए पर था और ए से वो बी चला गया, या ए के बजाय मैं इसको आई बोल रहा हूं, आई फॉर इनिशियल एफ फॉर फाइनल, तो आई से एफ चला गया वो, तो आई से एफ को इनिशियल पॉइंट्स को से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस से दिखाते हैं इसको हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से यहां से नहीं नापा जाता, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। समझे बात को? बात यह है कि जैसे पार्टिकल यहां से चला यहां पहुंचा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसको मैं नोट कर देता हूं, इट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट विद फाइनल पॉइंट ये वेक्टर है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका डायरेक्शन जो है हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है, ठीक है। तो ये लिख ले इसको, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ होता है, और ये इट इज ए वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट विद फाइनल पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है। अब इसमें थोड़ा रिलेशन भी बनता है, जैसे मान लीजिए कि इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर आई और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर एफ। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो ओरिजिन से नाप देखा जाता है, तो इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर आई है, फाइनल का आर एफ है। तो आप ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए मुझे यहां से यहां जाना है, तो एक रास्ता तो ये कि मैं सीधा निकल जाऊं, और एक है यहां से यहां जाऊं और फिर यहां से यहां जाऊं। तो यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना और फिर यहां जाना डायरेक्ट जाने के बराबर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आर आई प्लस एस इज इक्वल टू आर एफ, या एस इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, ये हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी होता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर का जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन ये हो गई, चेंज इन पोजीशन। तो यहां मैं ये लिख भी देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पोजीशन के अंदर चेंज को बताता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो जैसे जो वेक्टर्स होते हैं उनको हमने डिफाइन किया कि भाई क्या क्या होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं, वो सारी डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं तो उनके बीच एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका एक डेफिनेट नियम होता है, एक निश्चित नियम होता है। वो जो निश्चित नियम होता है वो आपको सीखना है कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोई वेक्टर ये है, इसको मैंने ए मान लिया, और ये दूसरा वेक्टर बी है, इसको मैंने बी मान लिया। अब हम चाहते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल निकाल लिया जाए, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, और हम ए और बी के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं। तो अगर हम ए और बी के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो उसका जो नियम है वो नियम ये है कि हम ए के टेल से बी के टेल को ज्वाइन कर दें,
एक एक टेल से, माने दोनों की टेल टेल आपस में ज्वाइन कर दें और ज्वाइन करने के बाद जो एंगल उनके बीच बनता है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो जैसे ए ये था, ये बी था, हमने आपको बता रखा है कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है, तो इस वेक्टर को हम इसके पैरेलल ले जा सकते हैं। तो ये वेक्टर मान लीजिए इसके पैरेलल हम ले गए, तो ये वेक्टर यहां पे आ गया। दोनों वेक्टर तो एक ही है ना, पैरेलल, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर वही रहता है। तो अब हमने ए की टेल को बी की टेल से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद जो एंगल आया, जो भी 180 से छोटा एंगल लेता है होता है वही हम लोग चूज करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद ये वेक्टर इसके बीच का एंगल हो गया। तो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने का तरीका यह है कि हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कर देते हैं, टेल को ज्वाइन करने के बाद जो भी उनके बीच एंगल आता है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो ये बात मैं नोट कर देता हूं, तो फाइंड द एंगल, एंगल वी कनेक्ट द फाइंड द एंगल वी कनेक्ट द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स We connect the tails of the two vectors. To find the angle, we connect the tails of the two vectors. The angle so obtained is angle between the vectors. Angle so obtained is angle between the vectors. एंगल पता लगाने के लिए हम दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के बाद जो एंगल मिलता है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब ये इसको मैं थोड़ा आपको एक दो सवाल दूंगा जहां पर आप प्रैक्टिस करके, मतलब जो सवालों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जैसे एक सिचुएशन में दे रहा हूं जहां पर हम पता लगाएंगे वेक्टर्स के बीच का एंगल। सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गया मान लिया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ये वेक्टर बी है, ये ए है और ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है और ये वाला जो है ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों एंगल 30-30 डिग्री के बराबर हैं, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो इसमें सवाल यही है कि फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है वो निकालिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों की टेल टेल को ज्वाइन कर देंगे। दोनों की टेल पहले से ही ज्वाइंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये 30 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 हो गया। तो अब ए और बी के बीच का जो एंगल आएगा अगर ध्यान से देखें तो वो एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आपको वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है तो आप बस टेल टेल के बीच एंगल निकाल लें। अब जैसे टेल टेल को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनता है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। अब जैसे देखिए एक दो और सवाल में, छोटे से सवाल है जो एंगल निकालने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो जैसे एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, थोड़ा सवाल है ये मान लिया जाए कि वेक्टर ए है और इधर कहीं वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है और ये वाला एंगल है 37 डिग्री। ठीक, जो वेक्टर ए था ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री बना रहा है, तो आपको बताना है कि ए और सी के बीच एंगल कितना हो जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच एंगल कितना हो जाएगा, निकालिए बताइए। तब तक मैं बोर्ड जो है वो क्लीन कर लेता हूं, तब तक आप निकालिए ए और सी के बीच का एंगल।
तो अगर मुझे ए और सी के बीच का एंगल निकालना है तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या ए और सी की टेल्स मिली हुई है, क्योंकि टेल टेल के बीच का एंगल होता है। तो ए और सी की जो टेल्स हैं उनके बीच का मुझे एंगल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सी को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी तो सी का हेड जो है ए की टेल से मिला है, तो सी को मैं आगे बढ़ा दूंगा। सी को आगे बढ़ाने के लिए मैं अलग कलर की चौक का यूज करूंगा जिससे कि क्लियर हो जाए। वैसे तो सी वेक्टर यहां पर है, लेकिन किसी वेक्टर को उसके पैरेलल हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो वेक्टर सी को यहां से उठा के मैं यहां ले आया, ये हो गया वेक्टर सी। अब देखिए ये वाला एंगल 37 था तो ये भी 37 हो जाएगा, ये 37 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो अब ए और सी के बीच एंगल अगर मुझे निकालना है तो अब देखिए ए और सी की टेल टेल मिल गई है। टेल टेल मिलने के बाद जो एंगल होगा वही इनके बीच का एंगल माना जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 30 प्लस 53 कितना हो जाएगा, ये 83 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो 83 के बराबर आ जाएगा। तो जैसे एंगल निकालने के लिए और भी तरह तरह के सवाल बनते हैं। जैसे थोड़ा सा देखिए, ये प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे जो है उसको मैं वेक्टर आई बोल दूं, नॉर्मल को मैं वेक्टर एन बोल दूं, रिफ्लेक्टेड रे को मैं वेक्टर आर बोल दूं। तीन ये जो है इनको मैंने बोल दिया। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं आई बोलता हूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई के बराबर हो जाएगा, ये हम लोग जानते ही है। ठीक है, ऑप्टिक्स का रूल होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इसके अंदर सवाल बनता है, जैसे एक सवाल ये बनता है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड वेक्टर एन, वेक्टर आई और वेक्टर एन के बीच का एंगल निकालें। एक मिनट का पॉज लें, सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। तो अगर वेक्टर आई और वेक्टर एन के बीच का एंगल मुझे निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे बनेगा देखिए जरा भाई, तरीका क्या है। अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप उनकी टेल टेल मिलाएंगे। तो पहले देखें क्या आई और एन की टेल पहले से ही मिली हुई है, पहले से तो इनकी टेल नहीं मिली हुई है। एन जो है, एन वेक्टर तो कुछ ऐसा है, तो एन का जो टेल है वो आई के हेड से मिला हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मैंने आई को एक्सटेंड कर दिया, अब देखो दोनों की टेल टेल मिल गई। अब दोनों की टेल टेल मिल गई, ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल ये आई के बराबर था, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस आई के बराबर। तो वेक्टर एन और वेक्टर आई के बीच का जो एंगल होगा 180 माइनस हो जाएगा। नियम क्या है समझे, टेल से टेल को मिलाना है, पूछ से पूछ को मिलाना है। ठीक है, तो जैसे इसका अगर देखेंगे तो टेल यहां पे है लेकिन इस जगह पे इसका हेड है, तो हेड और टेल मिले हैं तो एंगल नहीं मिलेगा। एंगल तभी मिलेगा जब आप टेल से टेल मिलाएंगे। तो जैसे ये जो वेक्टर था इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो एंगल होगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो आई और एन के बीच का जो एंगल आएगा 180 माइनस आई आएगा। ठीक है, अगला इसके अंदर जो है उसमें दूसरा जो पॉइंट है, इसमें आई और एन के बीच का आपने एंगल निकाला, तो जैसे एक और सवाल इसी के अंदर बनता है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एन एंड वेक्टर आर। ये तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, पहले से ही दोनों का टेल टेल मिला हुआ है, आर का भी टेल यही है, एन का भी यही है, दोनों की पूंछ एक ही जगह पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों का टेल अगर मिला हुआ है तो इनके बीच का जो एंगल दिख रहा है वही एंगल होगा। तो इसका तो आंसर जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सीधे सीधे कितना हो जाएगा आई। एक इसके अंदर और सवाल बनेगा, फाइंड, इसकी जरूरत पड़ेगी जब कभी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तब ये सब एंगल की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। पहली मेजर में जैसे पूछा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे आप, लेकिन जैसे जो बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं उनसे पूछते हैं कि आई और एन के बीच का एंगल बताओ, फट से लोग आई बोलते हैं, जबकि एंगल आई नहीं होगा। एंगल तभी सही निकलता है जब टेल से टेल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे इसमें आ रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड वेक्टर आर, वेक्टर आई और वेक्टर आर के बीच का एंगल निकालिए। तो वेक्टर आई और आर के बीच का एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर आर को मैंने एक्सटेंड कर दिया
और वेक्टर आई, दोनों की टेल टेल ज्वाइन कर दी हमने, ठीक है। ये वेक्टर आई था, ये आर था, आर तो ऐसे ही था, आई को मैंने आगे बढ़ा के टेल से टेल ज्वाइन कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल भी आई ही था, तो ये भी आई हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा ना, ये वाला आई और आर के बीच जो एंगल आएगा, वो एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। देखिए ध्यान से, किसी लाइन पे सारे एंगल का जोड़ 180 होता है, तो ये आई है, ये आई है, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 2i। तो इस तरह से वेक्टर आई और वेक्टर आर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं हम लोग।